नमामि सद्गुरुं शान्तम् प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसायोगपि त्वस्तं शिरसा मुक्ति कामार्थ सिद्धिदम् मुक्ति कामार्थ सिद्धिदम् एक एव परो बंधुए एक एव परो बंधुए विश्वे समुपस्थिते सकल धर्मात्मा सकल धर्मात्मा तस्म श्री गुर नम तस्म श्री गुर तस्म श्री मी सदगुरु शांतम हम अपने सदगुरु को नमन करते हैं जो शांत स्वरूप हैं प्रत्यक्षम शिव रूपिणम हमारे लिए वो साक्षात शिव का स्वरूप है शिरसा योग पीतस्तम जो सबसे श्रेष्ठ योग का पीठ है वो उस पर बैठे हैं मुक्ति कामार्थ सिद्धिदम मेरी मुक्ति की कामना की पूर्ति वो कर सकते हैं ऐसे वो सिद्ध हैं एक एव परो है मित्र मित्र सबके पास होते हैं पर गुरु एक ऐसा हमारा मित्र है विश्व में समुपस्थित जब हमारी जिंदगी में विषम माने कठिन परिस्थितियां आती हैं तब गुरु रूपी मित्र हमारा बहुत बहुत बड़ा सहायक होता है गुरु सकल धर्म आत्मा जो गुरु है वो धर्म का स्वरूप है उसका जो स्व है वो धर्म का है इसलिए उसे हम धर्म आत्मा बोलते आत्मा मने मैं तो कई का जो मैं है वो बहुत पाप आत्मा है बुरा है बुरा सोचता है बुरा करता है दूसरे का नुकसान करता है अधर्म की राह पर चलता है अधर्म मैंने खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है अगर कोई मुझे पूछे कि अधर्म की व्याख्या क्या होगी तो बहुत आसान शब्दों में हम कर सकते हैं जो अज्ञानतावश स्वयं को पीड़ा दे और दूसरे को भी पीड़ा दे ये अधर्म होगा और जब आप ज्ञान के द्वारा स्वयं को भी सुख देते हैं और दूसरों को भी सुख दे पाते हैं तो यही धर्म हो जाएगा वेरी सिंपल नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए कोई बोले मंदिर जाए तो धर्मात्मा कोई बोले दान करे तो धर्मात्मा पर मंदिर जाके वहां चोरी कराए तो धर्म हुआ या भगवान के नाम पे चढ़े हुए पैसे से अपने घर में अपनी कोठी मकान कार बनाने लग जाए तो ये क्या धर्म होगा तो धर्म मतलब सिर्फ इतना ही तो नहीं हो सकता है ना कि मंदिर जाए प्रश्न है मंदिर में जाके क्या करता है धर्म की जगह पे जाके भी अधर्म का जो पालन करे उसे हम धार्मिक तो नहीं कह सकते मैंने माथे में तिलक भी लगाए गले में कंठी भी पहने पर ऐसे तुम्हारी जेब काटने को तैर बैठा हो क्या हम उसे एक धार्मिक व्यक्ति कह सकते कह सिर में तो टोपी लगा ली आपने पर नियत तेरी बुरी है नियत तेरी खोटी है तो ऐसी खोटी नियत वाले को क्या हम एक अच्छा आदमी मान सकते तो सवाल ये नहीं है कि आप किस धर्म में हो सिख हो हिंदू हो बौद्ध हो के आप कौन हो सवाल ये है क्या आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी है क्या आप अपने मन को सुखी रखते हैं क्या आपके वजह से दूसरे भी सुखी रहते हैं या ये है कि देखो कई बार कई लोग वो जाति की बात आती ना तो मैं मेरी जाति के बंदे को सुख दूंगा दूसरों को नहीं और कोई कहता है मैं अपने धर्म वाले को तो सुख दूंगा दूसरे को नहीं धर्म की बड़ी जिद्द होती अगर मैंने राज्य सत्ता जिस धर्म को मानती हो अगर आप भी उसी धर्म वाले हैं तो आपको बड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी अगर आप उस धर्म को नहीं मानते तो वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते जितने आक्रांता आए इस देश में तलवार की जोर पर लोगों को धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर कर देते थे अब हर आदमी इस तरह के इलॉजिकल टैक्स पे करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते थे फिर इतने पे ही बस नहीं होती थी आपने जमीन खरीदनी है तो वहां पे दिक्कत होगी आपने कारोबार करना है तो आप पे दिक्कत होगी और इतनी परेशानियों में पढ़ के आदमी हार के ये सोचता था भी चलो इससे तो अच्छा है धर्म परिवर्तन कर लो तलवार की जोर पे हुए जो जीत जाते थे वह अपने धर्म को दूसरों पर जबरदस्ती लागू कर देते थे और जनता है वो बेचारी क्या करेगी सुख चाहिए फैमिली को आ, आराम से पाल सके तो इसलिए जो भी फिर ऑर्डर्स निकलते थे उस ऑर्डर के अनुसार लोग धर्म परिवर्तन कर लेते तो हम लोगों के लिए बड़ी चीज क्या होनी चाहिए कि धर्म की जिद हो पर इंसानियत ना हो या कि जो मेरे धर्म के मैं उनसे तो भाईचारा रखूंगा जो मेरे धर्म का नहीं उसको जूता मारूंगा मैं ये कैसे अच्छी हो सकती है बात यह कैसे ठीक हो सकती है बात सब पल्लवी तो हो सकें और दूसरे का आदर कर सकें और दूसरे को स्पेस दे सकें और कोई जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर ना करे तो अच्छा तो यही होता है। तो धर्म मने ज्ञान से हम अपने मन को सुखी करें और धर्म यह है कि इस ज्ञान की रोशनी को हम दूसरों को भी दें और आज आपके लिए एक चित्र है कैन यू सी इट ऑन योर स्क्रीन ये चित्र तो बड़ा परिचित सा होगा आपने कई बार देखा होगा इसको है ना अभी ये चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं आप जरा एक बार बहुत अच्छे से आ, उसको देखिए ठीक से देखिए क्योंकि आज इसी के माध्यम से आपको बहुत कुछ हम समझाएंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं या नहीं हैं हाँ क्योंकि ये जो बात हम करने वाले हैं बिल्कुल साइंस और लॉजिक के साथ चलेगी और आपको वेदांत दर्शन का एक अनुभव आज आपको मिलने वाला है अब देखिए हमारे आंखों के सामने आप क्या देख रहे हैं बोलेंगे क्या वट कैन यू सी क्या है श्री कृष्ण जी हैं और क्या है अर्जुन है और घोड़े हैं और और हाँ और ध्वजा 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 अच्छा जी अच्छा घोड़े को ध्यान से देखिए घोड़े के और क्या है लगा हुआ लगाम है राइट नाउ ये जो आप रथ देख रहे हैं इस रथ को ठीक से वॉच करिए यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपके समझने में और बोलने में आ सकती है रथ में क्या है पहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है पहिए अब आइए इसको हम डी करते हैं तुम्हारे लिए रथ क्या है ये हमारा शरीर है रथ क्या है शरीर इस रथ में अर्जुन दिखाया है बैठे हुए तो आपके इस शरीर रूपी रथ में जो अर्जुन है उसी का नाम है जीव जीव आप कहेंगे जी ये किस बला का नाम है जीव आपका ही नाम है आपका ही एक नाम है जीव इस रथ में आगे हम किसको देख रहे हैं श्री कृष्ण को कृष्ण शब्द का अर्थ होता है चैतन्य दैट विच इज कॉन्शियस दैट विच इज इटर ट्रूथ दैट विच इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ जॉय इज कृष्ण इस रथ के आगे पांच घोड़े हैं यहां तो चार है पांचवा छिपा हुआ वो दिख नहीं रहा है पांच मान लो इस रथ में पांच घोड़े वाली फोटो मिली नहीं प्यारे क्या करते दैट्स व्हाई आई वाज रियली होपिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू मे बी हायर सम पेंटर्स हु विल पेंट दीज थिंग्स एज पर माय एडवाइस व्हिच विल बी ऑफ ग्रेट यूज व्हेन आई हैव टू टॉक टू चिल्ड्रन एंड यूथ लाइक यू तो चार की जगह पांचवा मान लीजिए वो तो है ना सपोज तो सपोज यहां चार नहीं पांच घोड़े हैं इस रथ में क्या है पहिए लगे हैं दो समझो। ये पहिए क्या हैं? पहिए घूमते हैं गोल राइट ये पहिया है काल क्या है काल माने समय पहिए हैं दो एक दिन और एक रात तो दिन जाता है तो रात घूमती है रात घूमती है, है तो दिन घूमता है तो ये काल का चक्र चल रहा है और इस काल के चक्र में कौन है रथ शरीर शाबाश ये शरीर रूपी रथ काल से बना है कल हमने बर्थडे की बात करी थी ना ये अब उसी की कंटिन्यूटी है काल से आपका शरीर पैदा हुआ राइट लेकिन इस रथ में कौन बैठा है अर्जुन तो जब रथ नहीं था अर्जुन तब भी था फिर रथ बना तो अर्जुन उसमें बैठ गया तो रथ अलग है और अर्जुन ऐसे ही ये शरीर का रथ अलग है और मैं जो जीव इसमें हूं ये इससे तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं वेदांत में देह और देही